सो फाइनली एनटीए ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑलरेडी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है. सो क्या कहना है सर एंड मैम आपका इस पे? मैम बेसिकली काउंसलिंग करने का इनका इतनी जल्दी काउंसलिंग देने का मतलब ही ये है कि हमें अपनी गलतियां छुपानी है, हमें exactly. बताना ही नहीं है कि हमने क्या धांधलीबाजी करी है. ये वो सारी चीजें छुपाना चाह रहे हैं जो ये अत्याचार करते जा रहे हैं बच्चों के ऊपर रिपीटेडली. डे वन से ही जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तभी से चीजें इन्होंने छुपाना शुरू किया है, किसी भी बात का प्रॉपर जवाब नहीं दिया और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मामला रफा दफा हो जाए और हम फिर अगली साल के लिए फिर से तैयार हो जाएं, यही बखेड़ा खड़ा करने के लिए. बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है. तो हम अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है. लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, हम आपको एक्चुअली बताने वाले हैं कि आगे हम क्या प्रोसीडिंग्स करने वाले हैं. एग्जैक्टली, सबसे पहले यहाँ पे तीन स्टेट में स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग. सबसे पहले आप देखिए गोवा में. गोवा में क्या हुआ है कि मेंशन किया गया ऑल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू नीट बेस्ड कोर्स हु आर सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर डीटीई प्रोविजियम एंड अदर नोटिफाइड सेंटर मस्ट फिनिश देयर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजल्ट कार्ड बाय 12 जून. यहाँ पे ये देखो इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि 12 जून तक आपको सबमिट कर देना है. अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब बाद में एक्सेप्ट भी नहीं होंगी चीजें. मतलब रिजल्ट आ गया, आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है गोवा ने बोल दिया कि इसके बाद में एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा. अगर आप पिछले ईयर्स उठा के देखें ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि उन्होंने तुरंत रिजल्ट निकाला, तुरंत एक दो वर्ड में अपनी चीजें खत्म की कि क्लियर हुआ या एग्जाम एकदम क्लियर हुआ और उसके बाद तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट कर दे. दिस इज जस्ट टू डिक्लाइन द कंप्लीट प्रोसेस कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे. ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ अपनी बात ही रखते जा रहे हैं. कोई भी पेरेंट जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है कुछ नहीं सुन रहे हैं, नॉट एट ऑल. बस सीधा मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे 12 जून तक आपको काउंसलिंग कंप्लीट करा लेनी है, उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे. और आगे यही चीज उन्होंने मेंशन किया, हु हैव नॉट येट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर अर्लियर फ्रॉम अर्लियर दे डू सो, जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी कर दो इन पर्सन फ्रॉम 6 to 12. मेंशन ही कर दिया 6 तारीख, 4 को रिजल्ट आया, 6 से बोल दिया कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है कर लो नहीं तो 12 के बाद हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे. सेम अदर स्टेट में भी है. मैम आप लीड करिए जरा आगे. बिल्कुल यहाँ इन्होंने सिर्फ यही बोल दिया बेटा कि है ना ये वाली लास्ट डेट है, इसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लेंगे. सिमिलरली असम ने भी यही चीज करी है और 14th जून इन्होंने अपना लास्ट डेट दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दीजिए, है ना, अपना स्कोर कार्ड नीट का सबमिट कर दीजिए, उसके बाद हम तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, हम तो एडमिशन नहीं देंगे, है ना. आपका जो क्राइटेरिया है ये पूरा प्रोसेस अगर आप 14 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ये तो सरासर पता चल रहा है कि ये एक जल्दबाजी की जा रही है. बच्चे जो इस टाइम पर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, पेरेंट्स इतने इफेक्ट हो रहे हैं, आप उन सब चीजों को इग्नोर करके एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो साथ देना चाहिए ना यार, बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए. और साथ ही साथ इन्होंने ये फॉर्म भी एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया है कि इसको फिलअप कर दीजिए. सिमिलरली अगर हम तो काउंसलिंग एग्जाम के जस्ट नेक्स्ट डे आई है 5 तारीख को इन्होंने. बिल्कुल, सो दिस इज रियली डिसहार्टनिंग. ऐसे ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेट मैम नागालैंड में भी सेम यही किया गया है. इस पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर को इतना फास्ट किया जा रहा है, बोल दिया गया है 14 जून से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट करने हैं. फॉर्म भी दे दिया है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म की, भर दो अपना स्कोर कार्ड लगा दो और कर दो अपनी काउंसलिंग. लेकिन हमें ये चीज नहीं माननी है, नहीं माननी है. क्यों नहीं माननी है? क्योंकि ये हमें उलझाया जा रहा है, दबाया जा रहा है और हमें दबना नहीं है. बिल्कुल. सो यार ये तो 3 स्टेट्स हैं, ऐसी पता नहीं कितनी स्टेट्स अब उठ के काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे. और एमसीसी की काउंसलिंग भी अटेंटिवली बोला जा रहा है कि 2nd वीक से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, जून से डेट्स आ जाएंगी. तो बेटा आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम थमेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं. सो प्लीज साइन द पिटीशन, लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू. एग्जैक्टली, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल क्योंकि ये आपके बिना नहीं हो सकता. सो वी नीड जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स.